किसान आंदोलन को लेकर पॉप गायिका रिहाना के ट्वीट पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिहाना के ट्वीट को लेकर एक तरफ जहां ट्वीट वार छिड़ा हुआ है, वहीं राजनीति भी खूब हो रही है। ये बहस इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं है, बल्कि ये बहस देसी हस्तियों बनाम विदेशी हस्ती बन गई है। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने महान गायिका लता मंगेशकर और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच की बात कह डाली, जिसकी निंदा देश भर में हो रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने फिल्मी दुनिया और खेल जगत के दिग्गजों के ट्वीट्स की जांच के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिन लोगों के ट्विटर खातों की जांच के आदेश दिए हैं, उनमें भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र का खुफिया विभाग इन लोगों के ट्वीट्स की जांच करेगा। इन सितारों ने रिहाना के उस ट्वीट के जवाब में ट्वीट किए थे, जिसमें रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। रिहाना के ट्वीट के जवाब में लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने ट्वीट किए थे। अब सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने लता मंगेशकर समेत सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित कई हस्तियों के ट्वीट की शिकायत महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो शक पैदा करते हैं। अब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार हस्तियों के ट्वीट की जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगी कि क्या इन सितारों ने किसी के दबाव में आकर ये ट्वीट्स किए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संकेत दिए हैं कि इन ट्वीट्स के पीछे भारतीय जनता पार्टी का संभावित हस्तक्षेप हो सकता है। इंडिया फर्स्ट को लेकर किए गए ट्वीट पर अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख का मानना है कि भाजपा ने इन ट्वीट्स को करने के लिए इन हस्तियों पर दबाव बनाया होगा। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि इन हस्तियों द्वारा लिखे गए ट्वीट्स के बीच एक समान पैटर्न देखा जा सकता है। अधिकांश में सौहार्दपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार और साइना नेहवाल ने ठीक इसी बात को ट्वीट किया और अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक भाजपा नेता को टैग किया। सावंत ने कहा कि रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद कई ट्वीट्स किए गए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपनी मर्जी से करता है तो ये ठीक है। इसमें संदेह की गुंजाइश है कि इसके पीछे भाजपा हो सकती है। इस पर गृह मंत्री देशमुख से बात की, उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना ने विवादास्पद ट्वीट किया था, जिसके बाद भारतीय हस्तियों ने रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा को भारत के आंतरिक मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ट्वीट कर सवाल दागा था। रिहाना ने लिखा था कि इस बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करते। इसके बाद इस ट्वीट की काफी तीखी आलोचना हुई थी। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरणविद कही जाती हैं, वहीं मियां खलीफा गंदी फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने रिहाना को जवाब देते हुए लिखा था कि भारत महान देश है, हम सभी भारतीय इसको लेकर गौरवान्वित हैं। एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी मुद्दा या समस्याएं हम सौहार्दपूर्वक सुलझाने में सक्षम हैं। जय हिंद। वहीं सचिन तेंदुलकर ने रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि भारतीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों की भूमिका दर्शक तक ही सीमित है, ना कि हिस्सेदार की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए भारत रत्न लता मंगेशकर के विचार अहमियत नहीं रखते, उनके लिए रिहाना और मियां खलीफा की राय अहमियत रखती है, शर्म आनी चाहिए। पात्रा ने एक पुरानी खबर को ट्वीट किया है जो कि साल 2013 की खबर है। खबर की हेडिंग है, कांग्रेस का कहना है कि लोगों को लता मंगेशकर की सलाह की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि राजनीति में लता मंगेशकर की राय अहमियत नहीं रखती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।